कैमरे पे वीडियो कैसे बनाए। कोई भी काम करता है ना शुरुआती में पैसे ना, कोई भी व्यक्ति नए नए कैमरे के सामने जाता है अपना वीडियो शूट करने, तो उसको बहुत परेशानी है, माथा से पैसे ना टपकने लगता है, उसका मूड क्या लाल हो जाता है कि कैमरे के सामने कैसे, वो ठीक से कैमरे के सामने नहीं बोल पाता है। जैसे ये जैसे कि आप जैसे पहले भी ड्राइविंग करने जाते होंगे तो डर लगता हो, स्टेयरिंग कैसे संभाले, गोल कैसे करे, ब्रेक कैसे लगे, थोड़ी सी और कोई देख लेता है ना तो उसको लज्जा महसूस होती है। उसी तरह जब हम कैमरे के सामने आते हैं ना तो हमारे फेस से दिखाने की बारी आती है, फेस कैमरा करना होता है, तो बहुत मुश्किल है, बट नहीं नामुमकिन भी नहीं है, आप कर सकते हैं। किस पहले शुरुआती में कुछ दिन प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद धीरे धीरे आप कैमरे के सामने ठीक से वीडियो शूट करने लगेंगे और बात करने लगेंगे। कहा जाता है ना जिस दिन आप बैट खेलने गए होंगे तो वहाँ भी प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि वहाँ पर बैटिंग आपको करना है और फेस करना है। बैटिंग जब फेस करते हैं ना तो पहले पहले डर लगती होगी, क्या पता कि लगेगा कि नहीं, ये आउट हो जाएंगे, लोग क्या कहेगा, ये तो मन में बहुत सारी बातें चलती होगी। बट ऐसा नहीं है, आप जब कोई मैच लगाता होगा और वो आपको मैच लगाने के बाद वो पूरा कोई भी प्राइज रखा जाता है तो उसको चलो क्या होगा बाद में देखा जाएगा, पहले जी जान से खेलता है। उसी तरह आपको जब भी कैमरे के सामने फेस करने की बारी आती है ना, वह आपको वो आपको प्रॉब्लम आता होगा ना, तो आप सबसे पहले कैमरे पर मत जाइए, अपने घर में शीशे के सामने 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन। पहला टिप्स यह है कि आप कैमरे के नहीं बल्कि शीशे के सामने बोलिएगा। बोलने से क्या होता है, आपको खुद देख कर अपने खुद से खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा। दूसरा का क्या किया आप कैमरे का, आप सुबह उठ जाइए, कोई बुक ले लीजिए और उसको पढ़िए, किताब लेकर आप शीशे के पास या कोई भी व्यक्ति के पास आप पढ़िएगा, चाहे छोटे बच्चे के पास पढ़िएगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तीसरा का बात यह है कि आप कहीं भी किसी से बात कर, आप कहते हैं ना बिना डर के, डर आपके सबसे पहले आपके अंदर डर है, उस डर को बाहर निकालिए, तभी आप ठीक से कैमरे के सामने आप बात कर सकते हैं। आप एक यूट्यूबर हैं तो कैमरे के सामने बात करने में आपको सबसे पहले हिचकिचाहट है, उससे कोई बात नहीं है, एक बार कीजिए, अच्छा नहीं हुआ फिर डिलीट कीजिएगा। कौन वहाँ पर 10 लोग हैं 50 लोग हैं, कौन आप सेमिनार अटेंड कर रहे हैं कि आपको लज्जा लगेगा, आप खुद बनाकर खुद डिलीट कर दीजिए। हाँ लगे कि आपको यह वीडियो अच्छी नहीं है तो खुद बनाइए, खुद डिलीट कीजिए, फिर दूसरा का वीडियो बनाइए और फिर क्रिएट कीजिए, और अच्छा नहीं लगे तो डिलीट कीजिए। 3 4 5 10 करते करते आपको कोई तो एक बढ़िया होगा, पहल का में नहीं होगा, दूसर का में नहीं होगा, तीसर का में नहीं होगा, चौथा में नहीं होगा, पांचवा में नहीं होगा, छठवा में नहीं होगा, सातवा आठवा दसवा में तो जरूर एक हाल ही आप सक्सेस हो गए, जिससे आप बढ़िया से बात करें। यही सब टिप्स अपना कर आप एक अच्छे वीडियो मेकर बन सकते हैं और अपने फील्ड में अच्छे से बात कर सकते हैं। यह यहाँ तक नहीं कि आप इस एक्सपीरियंस के माध्यम से आप हजारों लाखों लोगों के बीच में बात कर सकते हैं। यही आपको कैमरे मत समझिए कि आप देखिए आपका बात कौन सुनता है, जिसको कोई नहीं उसको मालूम ही नहीं होता है तो वह आपको बात सुनता है, अगर उसको उसको जानकारी रहती तो वह आपके सामने बकेगा, आपसे बात करेगा, आपके सामने उसका वीडियो देखिएगा, बट कि वो आपको वीडियो इसलिए देखता है कि उसको मालूम नहीं है आप उससे अच्छे हैं, तभी आपकी वीडियो देख रहा है। चलिए सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, और वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर